No. साइंस दो तीन लोगों का एग्जाम है साइंस निकालो क्या चाहिए हमको चाहिए इनके बीच लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स पहले इसको मीटर में बदलो मीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा सृष्टि क्या हमें इसमें हजार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोलो इतनी बात समझ में आई सो दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी इट इज जी एम ई एम एम और अपॉन डी स्क्वायर That is 6.7 बोल रहा है और into 10 to the power minus 11 और 7.4 into 10 to the power 22 और upon 3.84 into 10 to the power 8 का square और ये है 3.84 into 3.84 माइनस 11 और 24 और 22 और नीचे 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर क्या होगा सारे डिजिट एक साथ लिख लिए देख लो दिस 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 और इसको दो बार ये अर्थ का वेट मून का वेट और डिस्टेंस गिवन है ना ये सब गिवन है हम यहां से सॉल्यूशन है और इसमें एफजी पूछा गया है ठीक है तो अब यहाँ तक आ गई और ये नीचे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 16 तो 6 से इसको कट करो 6 से कट करेंगे तो क्या आएगा बताओ 6 तो 0.6
0.64 क्योंकि डेसिमल के बाद ये यूज कर दिया है। और बताओ अगर दो डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा, तो ये दोनों डेसिमल हटाए तो क्या ये भी हट जाएगा, हट जाएगा। तो इसके बाद अब यहाँ पर जो 67 है और इंटू 74 और नीचे क्या 64 आ जाएगा इंटू 3.84, लेकिन बाकी का कैलकुलेशन करो तो ये हो गया 46 में से 11 जरा कम करो 35 अब 35 बाई 10 टू दी पावर 16 अब 16 ऊपर जाए माइनस और यहाँ पर इसको इससे कट करो 37 ये 2 से कट हो रहे हैं 32 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और इसको ऊपर ले जाओ 10 टू दी पावर 35 माइनस 16 करो और जरा इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 37 इंटू 67 क्या होता है 7 3 21 और 6 7 जा 42 और 6 3 जा 18 तो ये क्या आ गया 9 7 2 4 सो दिस इज इक्वल्स टू 2 4 7 और नीचे भी मल्टीप्लाई करो तो नीचे मल्टीप्लाई होगा 3.84 का 32 में तो 2 से मल्टी 2 4 जाए 2 8 जा 16 2 3 जा 6 और 7 अब 3 कर दो 3 4 जा 12 अब 3 8 जा 24 तो 25 और 3 3 जा 9 तो 1 2 2 8 डेसिमल 0.88 तो अब जरा देखो यहाँ तक बात हो गई समझ में आ गई। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेगा तो 2 4 7 9 2 0 और नीचे क्या आ गया 1 2 8 और इधर कितना आता है 19 आ गया। इसको 2 से कट करो ऊपर नीचे किससे कट करोगे तो बोलो 6 1 4 4 ऊपर 1 2 3 9 5 0 और 9 यहाँ से 9 आया 5 0 एक बार और कटेगा तो बोलो 2 से काटो 3 0 7 2 इसको भी काटो 2 से 6 1 9 7 5 ये कट गया। तो अगला हमारा क्या आगे बताओ 3 ऊपर आया 6 1 9 7 5 और नीचे कितना आया 7 2 और इंटू 10 टू दी पावर 19 अब यहाँ पर 3 0 7 2 है और 6 1 9 7 5 है दो बार ले जाओ तो बोलो 2 2 जा 4 2 7 जा 14 और 2 3 जा सही तो बोलो कितना बचा 3 5 और 5 तो 5 3 5 बचा तो दस। अब यहाँ पर अभी अभी डिजिट उतारा है और अभी अभी नहीं गया है अभी अभी डिजिट उतारा और अभी अभी नहीं गया है तो 0 लगाओ। अच्छा अभी अभी उतारने डिजिट उतारने पर भी ना जाए तो 0 लगता है और एक्स्ट्रा डिजिट उतारना है तो डेसिमल लगता है। अब देखो तो ये कितनी बार जाएगा 1 टाइम्स जाएगा तो बोलो 3 0 7 2 8 और यहाँ पर 14 में से 7 गया 7 और यहाँ 2 और यहाँ 2 चूंकि डेसिमल लगा हुआ है तो एक 0 हम हर स्टेप पर उतार सकते हैं। अच्छा हाँ। तो इस तरीके से ये 7 टाइम्स चला जाएगा तो 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 तो 49 तो 50 और 7 3 जा 20 भी नहीं छोड़ो तो कितना आ गया बताओ 20.10 to the power 19 अगर मैं इसे छोटा करूं तो क्या ये बड़ा हो जाएगा यानी 10 इसमें से निकाल के इसमें डाल दो इंटू 10 कर दो हाँ। इंटू 10 कर दोगे तो क्या पावर नहीं बढ़ जाएगा और इसे इसको 7 ड्रॉप करोगे तो क्या 2 आ जाएगा हाँ। क्योंकि ये 5 से बड़ा है ना हाँ। तो कितना आ जाएगा 0
अप्रोक्स अवश्य लिखना है। समझ में आ गई बात? सर ये अप्रोक्सीमेशन मुझे समझ में नहीं आता करते कैसे? करते कैसे हैं? कभी भी जैसे है कि 1.87 है, तो 1.87 के लिए तुम 1.8 लिखना प्रिफर करोगी कि 1.9? ये 1.80 के पास ज्यादा है कि 1.90 के पास ज्यादा है? सर ये 17 का 2 कैसे किया? 1.9 के पास ज्यादा है। तो तुम ये समझो कि तुमने ये देखा है 2.01 है, तो तुम यहाँ लिखो कि 2.01 और 2.011, 2.012, 2.013, 2.014, 2.015, ये मिडिल पॉइंट हो गया, 2.016, 2.017 और 2.018, 2.019 और ये 2.02 है, और ये यहाँ खड़ा है व्यक्ति। अच्छा बताओ बम गिरेगा तो किसके पास जाएगा? इस घर के पास जाएगा कि उधर? तो जहाँ बम गिरे वहां इसे भेज दो। बोलो अच्छा ठीक सर, ये देख लो ये बम गिर गया। तो अगर मान लो हाफ के उधर है तो उसको पास भेज दो, इधर है तो इधर उस डिजिट को ड्रॉप कर दो। हाफ 5 से ज्यादा है तो ड्रॉप करने पर ये से एक बढ़ा दो कि भाई हम तुम्हारी शरण में आ गए। 5 से कम है तो फिर 1 पे रहेगा, 5 है अगर 5 है, ये देखो 2.35 और ये 2.45, तो मुझे बताओ इन दोनों में अप्रोक्सीमेशन क्या जाएगा, इसमें क्या आएगा? 0। ये सही बता रही है नहीं मतलब और ये 2.4। इसने ये सीख रखा है कि ऑड हो तो बढ़ा दो, इवन हो तो ना बढ़ाओ। बहुत बड़ी बात आज सुनने आने पे। ओके 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 पर क्यों सर? देखो 0.0 और ये ऑड है, ऑड है इंक्रीज बाय 1, 5 होने पे ये होगा। फाइव हो तो 5 के पहले वाला डिजिट देखो, अगर वो क्या हो बताओ और तो बढ़ाया जाएगा, और अगर 5 के पहले इवन है तो अच्छा, क्योंकि 35 से नियर 40 होता है तो नियर ईयर से नहीं है, ये नियम है, कन्वेंशन है, उसने बोल दिया। देखो बच्चे हैं 11 की वो पढ़ा करते हैं, उनको टाइम पास करना है कुछ पढ़ लिया और अपने भाई के साथ बैठ के पढ़ी होगी ना। ये देख लो ये भी बहुत अच्छी बात कर रही है, 1.87925 29। तो अब ये देखो बहुत बड़ी बात कही है ये, हाँ, और ये इसको कहा जाता है अप्रोक्सीमेट अप टू 1 डेसिमल, अप्रोक्सीमेट। देख लो कितनी बड़ी बात कह रही है, अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो 2 यहाँ व्यक्ति है, ये देख लो सृष्टि ने भी कहा, बोला देखो ये 9 है, इससे हम इसे 6 कर देंगे और 6 के बाद फिर ये बढ़ जाएगा। सृष्टि ने दिमाग लगाया और साक्षी ने भी दिमाग लगाया, बोला कुछ नहीं ये 5 है, उसके पहले इवन है, 1.8 लिखो, साक्षी की विजय। ये फेल हो गए, दिमाग वालों की जीत नहीं आती। तुमको 1 डेसिमल प्लेस तक देखना है, उसका अगला देखो बस, बाकी तो फालतू वालतू उनके पिछलग्गू से मतलब नहीं। पिछलग्गू बता दिए क्या है? समझ में आई बात? बोलो बात समझ में आ गई कि आपको? देख लो ये भी कुछ बता दें। तो ये 2.4790 बाय 1.228 इसको किससे कट किया? लो ये कट नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है, मैं तो आजकल किस नंबर से? 2 से। अरे 2 से, दोनों ऊपर नीचे 2 से हुआ है, 2 बार 2 से कट करो। नहीं है
सवाल आगे बढ़े नहीं सर एक सर लिख लो मैंने समझा ना थोड़ा पीछे लगू से है सर सर मतलब क्या है अच्छा लग रहा है ना पीछे लगने वाले अरे जैसे गरीबा पीछे नहीं पड़ जाती लग्गू और कहते हैं कि चलो इसके बैठ कर आज हां पूरे चांस हां बिल्कुल इस क्वेश्चन के बहुत ज्यादा रविंद्र चुप रहे सारे पे बना दे चला चला सुन ले सो दैट इज द रेशियो ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इन मून एंड इनर्थ इसका कैलकुलेशन जी का कैलकुलेशन हम पहले बता चुके हैं 9.8 तो कभी भी तुमको टू कैलकुलेट जी आए टू कैलकुलेट जी तो ये बोल देना जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर इसकी वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेना पूरे नंबर ले आना इतनी बात समझ आ गई अब यहाँ पर ऐसा तुम्हारी तरह होते तो सब नंगे घूमते नहीं वो ऐसी दुनिया ही चाहता है 6.7 × 10⁻¹¹ ठीक है एमी क्या है बताओ वो जानवरों से ज्यादा प्रेरित मतलब सब इसका रेडियस लिख दिया और फिर बहाने से 6.7 लिख दो 6 लिख दो गलती ना लिखना तो अब इन सब को देखो तो यहाँ पर इन सब की वैल्यू जब सॉल्व की जाएगी तो ये और ये अब यहाँ पर देखिए तो 6.7 ने मल्टीप्लाई कर लो जरा 6×42 40.2 और नीचे करो जरा 6.4 × 6.4 को भी करो तो 4×4 = 36 और 6×4 = 24 और 6×6 = 2816 बोलो 6×7 = 11 8×4 = 12 तो 42.16 बोलो सही है ऊपर बड़ा है कि नीचे और अब देखो 10⁻²⁴ − 11 − 12 करना ठीक रहेगा ये इधर हुआ तो 10⁻¹ हुआ अब यहाँ पर कितना आ गया ये देख लो कि अगर एक डेसिमल प्लेस से एक डेसिमल प्लेस हटेगा तो भी क्या नीचे एक डेसिमल प्लेस रह जाएगा
तो 402 लिखो और इसे कितना लिखो सर डायरेक्ट 4020 और इधर 10 लिखते हैं तो बोलो ये कितना हुआ 4020 और नीचे क्या है 4216 सही है सर मिटा दो डॉट 2 हां अब तो हो गया ना एक डेसिमल कटा तो एक डेसिमल याद है क्या सर वहां पे जीरो का लगा है 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर तो एक जीरो बढ़ा हां तो नीचे वाला पॉइंट क्यों नीचे वो तो था ही पहले अच्छा सर आपने उस वाले 10 से मल्टीप्लाई किया वो 10 हमें लगा कि डेसिमल हटाने के लिए 10 ठीक है और अब तुम ये देखो क्या ये इसका 10 गुना लग रहा है 10 से थोड़ा कम हां थोड़ा और नहीं तो ये डेसिमल हटा के अब क्या करो यहां पे जीरो लगाओ पहले डेसिमल मोटा सा लगाओ हटाओ हल्का सा पता तो चले डेसिमल हटा तो अब ये कितना है बोलो 9.8 आएगा जरा यहां देखो इसको 2 से कट करो तो क्या 20100 20 और नीचे 2 से कट करिए 21 8 ये सही इनके फैन फॉलोइंग फिर वो दो डिजिट ले लिया इन्होंने दो डिजिट एक साथ यूज किए तो जीरो बढ़ा दिए अरे वाह है ना इंटेलिजेंट 10 अब ये देखो ये बताओ इसका बोलो बेटा बहुत अच्छा एक और बड़ी इंटेलिजेंट देखो तो 20000 था 10050 20,100 है समझ में जैसे ये इन्होंने कहा कि नहीं मैं तो 105 लिखूंगा रुक जाओ फिर डबल करके देख भी लेना कि वही आता कि अरे हम तो गलत कर बैठे आ नहीं रहा 20 और लगा देना चाहिए उल्टा करके भी देख लो उससे क्या हुआ कि आपको 4 नंबर बचे हैं समझ में आ गई बात कि नहीं 0 5 4 और यहां नीचे क्या आ गया 0 5 ना तू भी तो सकते यहां बोलो 1 0 5 4 और काटो जरा 2 से और काटो 5 0 5 0 2 5 और नीचे काटो 527 अब ज्यादा मार्जिन नहीं है डिवाइड कर दो अब बाद में क्या लिख लो 9.8 और जैसे ही 9.8 लिखना जी के बैठो मीटर पर सेकंड स्क्वायर और लगा देना जिससे कि तुम्हारे पूरे नंबर सर ऐसे तो 0.79 आएगा ऊपर बड़ा है ना 9.7 जब ऊपर एक डिजिट ज्यादा है तो जीरो क्यों आएगा 5000 नहीं है भाई 9.79 उसी को राउंड ऑफ करके बिल्कुल देखो इन्होंने कहा कि सर मैं प्रॉपर्ली करना चाहती हूं अरे उससे पहले ऑड है तो हमने एक बढ़ा दिया हां यस ये देखो ऐसे करोगे तो और अच्छा ठीक है इतनी बात समझ में आई क्या नहीं अब आगे देखो अब हम चंद्रमा और पृथ्वी के भारों में अंतर निकालना चाहेंगे नहीं आ रहा है चलो फिर क्या क्या आ रहा है चैप्टर 4 चैप्टर 3 और चैप्टर 5 रोक लेंगे इन लोगों को थोड़ा पहले भेज के फिर हम पढ़ेंगे ऐसा नहीं तो 4/3 तो इनके में आ नहीं रहा है किसी थ्री इम्प्रूवमेंट भी करा देना थर्ड फोर्थ कौन कौन सा चैप्टर है वही है छूट जाओ छूटो जल्दी अब देखो हम लोग देखेंगे
object on earth to weight of an object on moon. 1 by 6. किलोमीटर धरती की त्रिज्या है, ये व्यास है 6400 किलोमीटर। इतना तो याद हो ही गया सर, 6 5.98 इतना ले लो, कोई ज्यादा याद नहीं। 4 लिखो ना आप, 6.4 लिखा ना, 6.4 into 10 to the power 24 है ना, आपने 6 लिखा ये ना। हां, ये अर्थ का मास है। अच्छा, ये मास है, ओके। और डायरेक्टली ये उसका, ये दोनों चीजें याद रखनी है, ये रेडियस है। अब अगर तुम्हें ये मालूम है तो इसका चौथाई इसका रेडियस है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि द रेडियस ऑफ मून इज 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ये मैथ्स ने पढ़ रखा है सर, तो वहां से तुम्हें पता चल जाए, वहां से यहाँ आ जाओ, है ना, कि 1/4 है। और उसको फिर यहाँ यूज कर लिया, 100 गुना इसका मास कम है, ये भी आ गया, ये 24 ये 22। चंद्रमा 100 गुना हल्का है और उसका रेडियस 1/4 है, इतना तो याद है। 1/4 का मतलब है लगभग 1/4, उतना चला लोगी तो चल जाए। तुम अगर 6.4 में जरा 4 का डिवाइड करो तो बोलो 4 1 या 4 1 4 3 4 planet
सैटेलाइट इज कॉल्ड इट्स वेट, क्योंकि प्लैनेट क्या है? प्लैनेट और सैटेलाइट। तो जैसे प्लैनेट सैटेलाइट, इसी को सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, आकाशीय पिंड। इस कॉल्ड, जैसे कोई बहुत क्रीम पाउडर लगाया तो फिर तो बहुत लाइट मार रहे हो, पूरे सैटेलाइट लग रहे सबकी वैल्यू डाल दो तो ये कितना है बताओ, 6 × 10⁻⁶, फिर ये कितना है 1.74 × 10⁶, और यही दो बार लिख दो, 10⁶, क्योंकि स्क्वायर है ना। और नीचे बोलो क्या लिखो इसके, 6.4 × 10⁶, और इसमें और ये कितना है बताइए, ये मास है, मास ऑफ मून लिखो यहाँ, मास ऑफ मून कितना है बताओ, 7.4 × 10⁻², और यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ बताइए, 6.4 × 10⁶, सब लिख दिया मास और रेडियस। अब सारे पावर्स कट कर दो, जितनी घातांक हैं, एक्सपोनेंट्स, 6, 6, 6, 6, बोलो इतना सही है। अब 24 और 22 तो बोलो कैसे कटेगा, ये कटेगा, यहाँ कितना हो जाएगा, सही है। अब हमारे पास क्या बचा, देखो ईमानदार बनने से कुछ होता नहीं, थोड़ी बेईमानी करनी पड़ती है। दैट इज 6 और इनटू 1.74 इनटू 1.74, ऊपर 100 बचा है, देख लो ये 100 है, और 6.4 इनटू 6.4 और इनटू 7.4 है। बोलो, थोड़ा बहुत टहला लो किसी को, दो डेसिमल यहां से हटाओ, एक यहाँ से हटा दिया, एक हटेगा तो एक उधर चला जाएगा, तो 6 × 174, एक इसका हटा दो, 17.4, और नीचे क्या बचा, 74 हो गया। अब देखो 6 है तो 6 से इसको कट करो, 2 से 3, और ये बोलो कितना आया, 32। अब यहाँ पर क्या है, 174 को कट करो, 2 से कट कर दो, 2 × 8 = 16, और इसको भी कट करो, 16 आ गया, 17.4 को भी 2 से कट करो, 8.7, अब यहाँ पे कितना आएगा, 8 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आ गई बात, अब जरा देखिए कि अब तो कुछ नहीं कर सकता है, फिर भी थोड़ा बहुत हम काट लेंगे, 4 से कट करो, 2 आया, और अब नहीं कट कर सकते हैं। तो इसलिए 3 × 87 और इनटू ये क्या है, 8.7 × 25/2, तो दैट इज 128,
और इंटू 74। अब ये जो चीज है 87 का 3 में मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल हटा सकते हैं। तो ये इतना कर दिया, इसको हटाना चाहती हो, ये जीरो बोल के आप बोलो 25 बाई 87 में करो। अब इसका करो 740 का 128, तो 8 4 32 856। और 2 से करो तो 2 4 7 0 0 2 8 19 16 17 से लगी 1, तो 5 5 10 14 से लगी 9 4 7 2 0। यस सर, 9 4 7 2 0 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई। अब हमारे पास क्या है 2 1 7 5 और इनटू 2 6 1। 1 से करो 2 1 7 5 और 6 से करो 6 5 जा 6 7 जा 42 3 45 और 6 1 जा 6 और 6 2 जा। अब 2 से कर लो 2 5 जा 10 2 7 जा 14 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। इन सब को जोड़ो 5 7 1 6 और ये है 17 6 176। और ये कितना है 9 4 7 2 0 सुनो मेरी बात सुनो, इन तीनों का मल्टीप्लाई बताओ और इसका 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 सुनो इसका 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 ऊपर हमें बता दो एक वैल्यू और दिस इनटू दिस इनटू दिस ये लो, मतलब एंड क्योंकि मेरा आंसर गलत आया ना तो आपसे पूछ लेंगे सही कर लेंगे। सही कर लेंगे यहाँ ना आना चाहिए ये ना ऊपर, तो वही तो गलत आ रहा, इसी को करो जरा। अरे अरे तभी तो गड़बड़ हो गया। 4 3 5 0 सही हो गया। देखो 5 7 6 5 2 7 3 3 6 ये आ गया आंसर, समझ आया। हमने एक क्रॉस लगाई, दो क्रॉस लगाने चाहिए थे, बस अब डिवाइड कर दो तुम इसको, बस डिवाइड कर दो बस दिस बाय दिस बाय सभी इसको डिवाइड करो। इसे 6 बोल सकते हैं, बोलो इसे 6 तो बोल सकते हैं ना, 5.9। अरे तो वेट ऑन अर्थ हमेशा ज्यादा होगा, अर्थ ऊपर है।
इसका रेशियो ज्यादा होगा कि मून पे ज्यादा होगा? तो अब ये देखो बात अब ना करें, ये देख लो वेट ऑन अर्थ इज 6 टाइम्स वेट ऑन मून। इतनी बात समझ आ गई? तो बताओ वेट ऑन मून क्या होगा? 1/6 अच्छा एक बात और बताइए एकलव्य, वेट का फार्मूला क्या होता है? mg। तो क्या मैं इसे 1/6 m into ge लिख दूं और इसे क्या लिखूं m into gm, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो अलग अलग होगा, चांद पे धीरे धीरे गिरेगी तो आप बॉल को देखते रहो बढ़िया गिर रही है और यहाँ तो ठक से गिर जाएगी, यहाँ तो देखने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से क्या मास से मास कटा? बोलो मास तो ऑब्जेक्ट का है ना, वही ऑब्जेक्ट वहां लेके जाओगे तो बोलो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/6 और g ऑफ e। यानी और एक बात और बताइए कि अर्थ पर g e की वैल्यू क्या है? 9.8। तो ये भी एक क्वेश्चन दिया गया है कि g e की वैल्यू 9.8 लिखो और जरा इसे डिवाइड तो करो, क्या 1.67 आ रहा है? इससे acceleration on moon will be 1/6 of gravitational acceleration on earth, weight of an object on moon will be 1/6 of weight of object on earth। ये दोनों बातें अभिषेक रिपीट करके दिखाइए। यशिका वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी 1/6 ऑफ एंड वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, बोलो पियानी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन मून विल बी 1/6 ऑन द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। सही तो of an object on moon is 1/6 of gravitational acceleration on earth। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वजन 10 किलो है तो सौम्या उसका मून पर वेट क्या होगा? बुक का क्वेश्चन है। 1/6 of 10 kg। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, हम लोग भी इनसे प्रेरणा लें क्योंकि ज्यादातर लोग बता नहीं पाते हैं। देख लो जीरो भी नहीं है मेरे बच्चों। सुनो एक लड़की भी बता रहे कुछ, इफ मास 1.666666 ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 10 kg देन फाइंड, यानी आप बताओ 1/6 ऑफ 10 kg 1.666666 बताने दो, ऐसे नहीं करना है सोनिया। फाइंड इट्स
बता लेंगे, ऐसी बात नहीं है कि आपने गलत बताया तो दूसरे नहीं बता पाएंगे। बोलो सर, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इनटू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ व्हिच इज इक्वल टू 1/6 / 9 ऐसा कुछ नहीं, साक्षी बताओ। तुमने इतना तो ठीक बताया, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, इसके आगे साक्षी बताएंगे। कैलकुलेटर दे दीजिए, सर इतनी बात तो नहीं करेंगे। और मैं कहूँ एक मिनट में करके दिखाओ, तब कहोगे सर लॉग टेबल दे दो। अच्छा, तो किसी भी चीज को कैलकुलेट करना है, जैसे मैं तुमसे कहूंगा कि 5 का क्यूब रूट निकालो या 5 का 17th रूट निकालो, तो तुम कहोगे सर एक बार लॉग टेबल। सब चीज तुम निकाल सकते हो, ऐसा कोई बुक अगर तुम्हारे हाथ में, आती है सबके बस की बात नहीं है रखना। देख लो पीछे लिखा 5 रुपए का। Proceed.
जब जो चीज हमारे काम की थी जब कितनी इज्जत के साथ रख दी, रख दो आगे लो। बच्चे तो टेंथ में जाएंगे तो पढ़ पूरा प्लान है, टेंथ में जाने का प्लान बना रही हो? नहीं बैठे बनाया, मैं तो सीधा ट्वेल्थ में जाऊंगी, मैं तो स्किप कर दूंगा। लाओ अगला सवाल पढ़ो। भार धरती की तुलना में छठवां हिस्सा क्यों होता है? तो चूंकि चंद्रमा धरती से काफी हल्का है अंत, इसलिए अतएव वहां पर भार छठवां हिस्सा होता है। सो एस मून इज मच लाइटर, 100 गुना हल्का है। तो वो क्यों है? क्योंकि वो हल्का है, इसलिए सो इट एक्सर्ट लेसर पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन इट। वो क्या करेगा? लेसर ग्रेविटेशनल पुल। सो इट एक्सर्ट्स लेसर। Object is 1/6 times lesser than the weight of. Hence, the weight on moon is 1/6 of weight on. Let us switch over to
pressure and thrust. चीजें समझे थ्रस्ट एंड प्रेशर थ्रस्ट एंड प्रेशर परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थ्रस्ट जब इसी बोर्ड को तुम ऐसे दबाओ तो थ्रस्ट है और जब तुम ऐसे दबाओ तो अभी तो थ्रस्ट ही होगा सर थ्रस्ट का मतलब परपेंडिकुलर अच्छा बिल्कुल परपेंडिकुलर हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा थ्रस्ट धरती पे जा रहा हो ऐसे हो जाए तो नहीं या ऐसे हो जाए सुनो ये जैसे है बोर्ड पर अगर आप एक पिन लगा रहे हो और इसको किससे दबा रहे हो बताओ थंब से तो थंब से जब प्रेशर लगा रहे हो तो क्या इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो तो इस पर अगर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो देन इट इज हाउ तो ये ऐसा नहीं होगा तो ये ऐसे आप फोर्स लगा रहे हो तो ये जो फोर्स आप पर लग रहा है तो दैट इज परपेंडिकुलर थ्रस्ट हो गया कि नहीं तो ये थ्रस्ट है सो परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थ्रस्ट सो क्वेश्चन पूछा गया है ना एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 केजी हाउ मच थ्रस्ट इज एक्सर्टिंग ऑन अर्थ हाउ मच थ्रस्ट इज exerted by an object of mass 10 kg. स्वामी आपने बताना था और लोगों को भी चांस दो तो नाउ अगर मान लीजिए कोई 10 किलो का चीज है और हम चाहते हैं कि बोलो इसका थ्रस्ट निकालना चाहते हैं तो 10 केजी हाँ तो अर्थ पर रखा तो क्या नीचे की ओर इसका वेट लगेगा अब क्या ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना हो जाएगा mg तो बात समझ में आई कि नहीं कि हम कोई भी चीज रखी है तो परपेंडिकुलर ही तो वेट लगाएगी तो थ्रस्ट क्या हुआ इज इक्वल्स टू वेट प्रेशर से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे मैं कह रहा हूँ फोर्स तो तुम प्रेशर की बात कर रहे हो थ्रस्ट की बात कर रहा हूं तो वेट होता है कि नहीं परपेंडिकुलर फोर्स तो इट इज इक्वल टू mg तो ये कितना हुआ 98 न्यूटन यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज थ्रस्ट और प्रेशर में डिफरेंस है कोई अभी प्रेशर की बात ही नहीं की जब प्रेशर की बात करेंगे तब हम बात करेंगे देखो ये मान लीजिए कि हम आपसे कहें कि अगर मान लीजिए प्रेशर लगाया जाए लेकिन मैं एरिया कम कर दूं तो उस जगह पे फोर्स ज्यादा लगेगा मैं इस तरीके से आपको समझाता हूँ ये देखो यहाँ पर तुम प्रेशर लगाओ जरा ये तो थ्रस्ट हो गया उतना ही तुम्हें लगाना था लेकिन तुमने वहां लगाया अगर मान लीजिए एरिया ज्यादा हो मैं वही यहाँ पर देखो मैं पूरा मिट्टी यहाँ फैला दूं बड़े एरिया में तो बोलो जगह जगह पर तब प्रेशर ज्यादा पड़ेगा कि यहाँ पे सारी मिट्टी रख दूं तब कम एरिया में होगा तब वहां पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और अगर फैला कर रख दूं तो नहीं होगा तो ये चीज होती है सो व्हाट इज प्रेशर प्रेशर अब आप देखो ये है तो तुम्हारे पास ये पिन है और
एक ने बोला ये पिन जरा गाड़ दो और दूसरे ने बोला कि नहीं नहीं ये गाड़ो, तो बोलो तुम्हें कौन सी पिन गाड़ने में ठीक लगी। ये तो आप वही फोर्स लगा रहे हो, लेकिन अगर जितना एरिया कम कर दो तो ऐसे टाइम पे प्रेशर बढ़ जाएगा। देखो आपको 10 न्यूटन यहाँ भी लगाना है, या तो हम तो 10 ही न्यूटन लगाते हैं, तो 10 न्यूटन लगाओगे लेकिन प्रेशर किस केस में ज्यादा पड़ा? नीचे। तो दैट इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो देखो प्रेशर क्या होता है, इट इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। इफ एरिया इंक्रीजेस, मुझे इस सेंटेंस को कंप्लीट करो, इफ एरिया इंक्रीजेस देन अरे रुक जाओ, वो बोल रहा है, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, सही है, ये बढ़ेगा तो है ना, एरिया अगर बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और एरिया शार्प है छोटा है तो प्रेशर बढ़ गया। तो अब जरा देखिए, घर में नेल भी ठोकते हो तो उसके आगे का अगर एंड ब्लंट है तो ठोकोगे कि नहीं, बोलोगे नहीं दूसरी नेल लाओ, ओके ठीक है। सो इफ एरिया इंक्रीजेस, अगर मैं तुमसे कह दूं यहाँ बिल्कुल पतली रेशम की डोरी में तुम्हें 10 किलो वजन लटका दूं, अगर मोटे मोटे फोम हो तो आप आराम से ऐसे ऐसे जाओगे, तो उसमें सही है क्योंकि वही वजन है, लेकिन पतले अगर एरिया कम कर दो तो कितनी मुश्किल होगी कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो इफ एरिया इंक्रीजेस, तो इसीलिए तुम लोग अपना बैग देखो कितना मोटा स्ट्रैप, लेकिन बैग तो आपको इस पे डालना है ना वजन, हर जगह वेट नहीं आ पा रहा है, कई बार पिन लगा रहे हो तो वहां थ्रस्ट है, हर जगह अलग अलग है। तो आंसर देखिए, सो दैट इज इफ एरिया इज मोर देन द प्रेशर और सोल्जर विल बी लेस, सो व्हेन एरिया इंक्रीजेस on shoulder decreases, क्यों डिक्रीज करेगा बताओ, as जो प्रेशर है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो साइन जानते हो प्रोपोर्शनलिटी का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सो इंक्रीजेस, हेंस ब्रॉडर स्ट्रिप्स, इट इज कंफर्टेबल टू कैरी बैग्स विद ब्रॉडर strips, so it is comfortable to carry bag with broader strips. अब जरा देखें, क्वेश्चन पूछा जा रहा है बुक का एग्जाम्पल नंबर 10.6, कि अगर एक ब्लॉक ऐसे रखा है ये देखो और इसकी डायमेंशन है 40 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर,
साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया जिन्होंने नोबेल प्राइज पाया। एरिया इन कांटेक्ट क्या है? वहां से देखो L into B, तो यहां कितना है? 20 को क्या लिखें? 20 पहले मत लिखना, लेंथ बड़ी होती है, और ये 0.2, तो बोलो कितना होगा सनी? 0.4 बताने दो, लोग बता ही देते हैं पहले। हाँ सर, 0.0।
लेकिन फिर भी ट्राई तो कर सकती हो। हार्ड है मुझे मालूम है। इतना कर लो सौम्या। आप लोग जा सकते हैं क्योंकि आप और नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी कुछ पढ़ना हो तो बाहर से टेस्ट लेते हैं। मतलब होता है उत्प्लावन बल। That means if something is put into liquid, if object is immersed in a liquid, if either it is completely immersed or partially submerged, तो ऐसे केस में it experiences an upward force that is called beyond force. So if as an object ठीक है कंप्लीटली और पार्शियली इमर्स्ड इन ए लिक्विड called force and the phenomena is called
सो मुझे बुलाना पड़ेगा आपके पेरेंट्स को दो दिन में, ठीक है? क्योंकि वो मैं टॉलरेट कर सकता हूँ कि पढ़ने में तुम लगातार कमजोर हो रही हो, बट इनडिसिप्लिन का क्या? ये ठीक है तुम लास्ट वाले के साथ कंपटीशन कर रही हो, लेकिन इनडिसिप्लिन के लिए तुम्हें अब आगे देखें कि इट इज कॉल्ड बियॉन्सी. अब द बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू, सौम्या इस सेंटेंस को तुम कंप्लीट करो. बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू द फ्लूइड डिस्पर्स बाय, हां बोलो. द बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. हां बोलो फिर से भाई. अच्छा कोई और बोल देगा, एक लोग भी बता भाई. ये बस थोड़ा आगे ये सही बता, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है. फ्लूइड हो सकता है जो कि गैस या क्या हो सकती है लिक्विड, पर्टिकुलर नहीं रहेंगे, ऑयल भी तो हो सकता है ना, वाटर ही हम क्यों बोले. डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, अब इस सिद्धांत को क्या कहेंगे? मिडीज प्रिंसिपल. अब आता है राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये हर बार आता है. शेप को बनाने के इलेक्ट्रोमीटर हाइड्रोमीटर राइट टू एप्लीकेशंस. इलेक्ट्रोमीटर तो दिखाई दिया है आप लोगों को, सो टू एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल. इसमें इतना ही आता है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सिंपल तो that is for, ठीक है, measuring और checking the purity of milk, the purity of milk by using lacto in making of ships. हाइड्रोमीटर है तो मतलब हाइड्रोमीटर है टू चेक, ठीक है, यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग, यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स. ये याद कर लेना. अब जरा देखो क्वेश्चन दिया गया है इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 142. योर मास इज 42 केजी ऑन वेइंग मशीन. योर मास इज 42 केजी ऑन वेइंग मशीन. अब योर एक्चुअल मास इज लेस और मोर देन 42 केजी. योर एक्चुअल मास इज लेस और
चीज इसमें डाल लें, प्लास्टिक का ये क्यूब डाल लें, तो वो क्यूब क्या होगा पानी में, पार्शियली सबमर्ज होकर के तैरता रहेगा कि नहीं, तो इस पर एक अपवर्ड फोर्स तो लग रहा है, नहीं तो सीधे ना गिर जाए, तो यहाँ पर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है और कुछ एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। डाउनवर्ड फोर्स क्या है, इसका वेट है क्या, तो डाउनवर्ड फोर्स में वेट है और अपवर्ड फोर्स क्या है, दैट इज बायॉन फोर्स, दैट इज FB। तो चूंकि ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि बायॉन फोर्स किसके इक्वल है, इसके वेट के। अगर जब जब ऐसा होगा तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ऐसा होगा तो क्या होगा बताइए, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। और ऑब्जेक्ट क्या, इस ऑब्जेक्ट ने उतना अपने वेट के बराबर पानी हटाया और उतना ही इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रहा है। जो लाइटर है जिसकी डेंसिटी कम है वो प्लास्टिक हुई जैसे, ये किस चीज का बना हुआ है, तो प्लास्टिक। इफ ऑब्जेक्ट्स आर लाइटर देन, अगर ऑब्जेक्ट हल्के होंगे देन लिक्विड, देन दे डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू देयर वेट, तब वे कितना पानी हटाएंगे, जितना वेट हटाएंगे। मान लो ये 100 ग्राम का, कितना 100 ग्राम का या 1 केजी का मान लो, तो 1 केजी का है तो बोलो इस पर वेट कितना हुआ, बोलो, तो 1 × 9.8, तो इस 9.8 न्यूटन। और अगर मान लीजिए इसने जितना पानी गिरा दिया और वो मैंने इकट्ठा कर लिया और वो पानी 1 केजी निकला, तो अभी अभी अवनी ने बताया है कि जितना पानी इसने डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर अपवर्ड फोर्स लगेगा, तो मैं इस पे FB भी निकाल लूं। तो अवनी के अनुसार इसने चूंकि 1 केजी वाटर हटाया है तो इट इज इक्वल टू बायॉन फोर्स, किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस। तो उसका वेट कैसे निकालोगे, वो भी तो mg से ही निकालोगे, लेकिन m किसका लोगे, बोलो ऑब्जेक्ट का कि वाटर का, वाटर का। और यहाँ किसका दिया था, ऑब्जेक्ट का खुद का मास। तो अब यहाँ पर बोलो क्या ये भी 1 केजी ही इसने हटाया, और जी कितना है, और ये भी 9.8 हुआ। यदि ऊपर नीचे का फोर्स इक्वल हुआ तो बोलो वो तैरेगा कि नहीं, सिंक का दूसरा बताते हैं। हाँ। तो एक बार तुम हमारी बात बोल के दिखाओ कि इफ ऑब्जेक्ट is less denser than liquid, उसकी डेंसिटी अगर कम है, then it will displace liquid या water equal to its weight, इतना बोल दो। If object is less denser than the liquid, then it will displace equal water water equal to its weight। यही चीजें मैं नेहा से भी बुलवाऊंगा। ये बताओ अभिषेक, आर्यन, द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तभी वो ऊपर वाला फोर्स नीचे के इक्वल है, तभी तो वो वहां रुका है, नहीं तो नीचे ना गिर जाता। एक बार रिपीट करो बेटा, बस इतना लिख लो आप समझ जाओगे, इक्वल टू इट्स वेट। और ऐसे केस में हमेशा जो उसका वेट होगा वही बायॉन फोर्स होगा, एंड इट विल फ्लोट, सो इट फ्लोट्स, इस वजह से क्या करता है, सो इट फ्लोट्स, क्योंकि ये अंडर बैलेंस्ड फोर्स है सृष्टि की अनबैलेंस्ड फोर्स है, क्योंकि जो नीचे वाला उतना ऊपर वाला। अब जरा देखो, अब हमने तुमको लेड हाथ पे दे के दिखाया कि कितना भारी होता, दिखाया कि नहीं, अच्छा।
ऑब्जेक्ट इज मोर डेंसर ऐसा क्वेश्चन भी है लास्ट वाला, तो उसी के हिसाब से अच्छा, सो अब ये देखो मान लीजिए एक हमने यहाँ पे सोने का ब्लॉक डाल दिया, सोना 19.6 गुना भारी है पानी से, देख लो ठीक बोल रहा है, कह रहे हैं कि चांदी 10.8 गुना भारी है 10.8 और सोना 19.6, जानकारी है इनकी अपनी, तो मतलब यानी आप देखो रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब समझते हो वाटर से कितनी गुना भारी है, जैसे यहाँ पर हम देख लें मरकरी की हो तो कितने गुना भारी है ऑफ मरकरी को एचजी, ये मालूम है आपको कि नहीं मालूम है, अराजरियम तो डेंसिटी कितनी होती 13,600 केजी पर मीटर क्यूब, एक मीटर क्यूब में अगर मरकरी डाल दो तो इतना पानी की कितनी होती है, तो बोलो ये कितने गुना भारी हो गया 13.6 इसकी रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या है 10,800 इससे ये पता चलता है कोई चीज पानी से भारी है या हल्की, इससे ज्यादा हमें कोई मतलब नहीं होता है कि कोई चीज कितना भारी है। अब बात आती है सृष्टि की, सृष्टि ने कहा कि इफ ऑब्जेक्ट इज हैवियर देन लिक्विड, इस सेंटेंस को पिता पूरा कर देंगे, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट लो, इन्होंने पूरा लिखा दिया बात इन्होंने कही बोला इस इक्वल टू इट्स वॉल्यूम आगे नहीं आता बहुत बड़ी बात है, मतलब बता भी दिया लेकिन शालीनता भी कायम रही भाई। आप ये देखो तुमने पानी में एक सोने की बॉल गिराई और एक चांदी की, बोलो कौन ज्यादा पानी गिराएगा, दोनों ही तो भारी, अब जितना उनका वॉल्यूम है उतने ही तो गिराएंगे, या ऐसे कहेंगे हटो पानी राजा आ रहा है उधर से भी भागो हवा भर जाओ ऐसे दोनों कैसे कर सकता है दोनों से अंतर है वो दोनों ज्यादा वजन का है लेकिन फिर भी करेंगे तो सेम ही क्योंकि उनको डूबना है, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही तो करेंगे, कि ये बोलेगा हवा से हटो पानी हम आ रहे हैं ऐसे बोला ठीक है, तो ये भी दोनों छोटे वाले भी वैसे ही करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ समझ में आ गई बात, तो ये सेंटेंस ईशान पूरा करते हैं।
पिता पहला वाला बोलो जो लाइटर वाला है इफ इफ ऑब्जेक्ट इज लेस डेंसर देन लिक्विड देन इट विल डिस्प्लेस लिक्विड इक्वल टू इट्स वेट सॉरी बस सही इतना ही रखिए आज के लिए मतलब इतना बाकी जो बच गया अगर डेंसिटी वाटर से कम है तो सिंक करेगा और डेंसिटी कल हम आधे घंटे साइंस कराएंगे फिर मैथ करेंगे इसको मैं कंप्लीट ही करा दूंगा इतना ही है दो सवाल है वो भी करवा दूंगा तो पूरा नहीं बनवा नहीं चाहिए।